इंदर यादव एंड पटना की सड़कों पर जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि पटना के बेली रोड पर ट्रैफिक दारोगा और युवक के बीच जमकर तूतू में हाथापाई और मारपीट हो गई। यह पूरा मामला हेलमेट चेकिंग से जुड़ा हुआ है। युवक का कहना है कि ट्रैफिक दारोगा ने उसके साथ मारपीट की और गालियां दी। यही नहीं, जरा सुन ले और गौर से, ट्रैफिक दारोगा किस तरीके से कह रहा है कि तुम अपराधी हो, वह लगातार उसे धमकी दे रहा है। वहीं युवक लगातार कह रहा है कि आप हमारी मां को कैसे गाली दे सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक दारोगा ने युवक को पकड़कर कोतवाली थाने लाई। यार तुम हमको धमकी दे रहा है, कैमरा चला रहा है। चीज मत करिए सर, आप इतना समझ लीजिए, आपका नाम क्या है? लॉ फेकिंग कॉर्टर से मेरा नाम क्या? सब इंस्पेक्टर। हाँ क्या? मैं परेशान हूँ तुम लोग से भाग भाग। अरे नहीं सर, एक्चुअली मैं पब्लिक परेशान है। आप लोगों को चिंता नहीं है कि पब्लिक रोड सेफ्टी पे काम करे? आप लोगों को चिंता है कि तो इस बीच बड़ी खबर, जहां पटना में 28 लाख रुपए की सोने की बिस्किट बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने युवक के पास से ये सोने के बिस्किट जब्त किए हैं। चेन्नई का रहने वाला बिस्किट के साथ गिरफ्तार छात्र बताया जा रहा है। दिल्ली से पटना पहुंचने पर छात्र की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास सोने के बिस्किट मिले हैं। सोने की बिस्किट लेकर दुबई से दिल्ली आया था। पटना में 28 लाख रुपए की सोने के बिस्किट बरामद की गई है। तो पटना से खबर, जहां चेन्नई का रहने वाला यह छात्र बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है सोने की बिस्किट के साथ। दिल्ली से पटना पहुंचने पर छात्र की गिरफ्तारी हुई है। 28 लाख रुपए सोने की बिस्किट की कीमत बताई जा रही है।